आपको बताते चलें, कलर सेदा शहर में ट्रैफिक ये एक घंटे से जाम है। वार्डन हजरात गायब हैं जी, ये सामने आप नज़ारा देख सकते हैं। सख्त बुरा हाल हो गया है यहाँ पे कलर सेदा ट्रैफिक में। शदीद गर्मी में एवाम नाडाल हो रही है, ये सामने देख सकते हैं मनाजर। लिफ्टर वाले भी गायब हैं और जनरल ड्यूटी वाले भी गायब हैं। अमला अपने टाइमिंग से पहले गायब हो जाता है, जिसकी वजह से अवाम को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये आप नज़ारा देख सकते हैं, ये चौर रोड और पिटी रोड का ये हाल है। आप देख सकते हैं ये लंबी लाइनें लगी हैं, कोई वार्डन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं, शदीद इस गर्मी के मौसम में अवाम दलीलो ख्वार हो रही है। लंबी लंबी लाइनें लगे कई घंटों से ये कलर सैदा बाज़ार में ट्रैफिक जाम है जनाब। ये आप देख सकते हैं मनाजर, ये घंटे से लाइन लगी हुई है जी, वार्डन आपको नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर लोकल वार्डन की भरमार की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक रहती है जी। ये जो नज़ारा आपको दिखा रहे हैं जी, चौर रोड पिंडी रोड है, यहाँ पर ये देखें ट्रैफिक की लंबी लाइनें लगी हैं। नीचे मरीज चौक तक लगी हैं, वार्डन बिल्कुल यहाँ से गायब हैं जी। ड्यूटी से पहले भाग जाते हैं, जनरल ड्यूटी जबकि 7 से 7 बजे तक होती है, वार्डन 2 बजे से पहले भाग जाते हैं, जिसकी वजह से लंबी लाइनें लगी जाती हैं। ये नज़ारा आप देख सकते हैं जी। वार्डन हजरात शहर के बाहर खड़े होकर गैर कानूनी नाके लगा कर गाड़ियों के चलान में मसरूफ़ रहते हैं, जबकि शहर के अंदर ट्रैफिक का जाम रहना आए रोज़ का मामूल बन चुका है। ये सामने आप नज़ारा देख सकते हैं, कल्लर सैदा बाज़ार में ट्रैफिक रवा दवा लोकल लोग कर रहे हैं, जो मकामी लोग हैं, जबकि आपको वार्डन कहीं भी नज़र नहीं आएगा। ये वार्डन हजरात सब यहाँ से गायब हैं जी, ड्यूटी टाइम से पहले ही यहाँ से भाग जाते हैं घरों को लिए। लोकल वार्डन होने की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम बिल्कुल धरम भरम हो चुका है। पिंडी रोड का ये हाल देख सकते हैं आप, बिल्कुल ट्रैफिक जाम है, कोई वार्डन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। सब लोकल वार्डन अपने ज़ाती कामों में मसरूफ़ हैं और मुख्तलिफ़ दुकानों में बैठ कर ख्वाबे खरगोश के मज़े लेने लगे। ये नज़ारा आपको दिखा रहे हैं जी कलर सैदा बाज़ार का जी। इसी तरह चौक पंडोड़ी का भी बुरा हाल है, दोनों तरफ ट्रैफिक की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और बिलखसूस दबैरन का भी बता देते हैं आपके, वार्डन चट्ठे पर ड्यूटी लगी जाती है और लेकिन वार्डन वहाँ पे मौजूद नहीं होता। शहबाग में भी ट्रैफिक का बुरा हाल है, ये नज़ारे आप देख सकते हैं। लोकल वार्डन होने की वजह से ट्रैफिक निज़ाम बिल्कुल धरम भरम होकर रह चुका है। एवाम सख्त दिलो ख्वार हो रही है। DAG ट्रैफिक लाहौर, RPO रावलपिंडी, CTO रावलपिंडी फौरी नोटिस लेकर मकामी वार्डन को यहाँ से फौरी तब्दील किया जाए ताकि ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी आ सके।